पाक हमारा तो रूह भी पाकीज़ा हो, सुन्नत नबवी पर चलना, दूर गुनाहों से रहना मोमिन की पहचान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है। सलाम है और इस्तकबाल है आपका इस्तकबाल। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला महीना आ गया है और यकीनन ये अहले ईमान के लिए ये खुशी और मसरत का पैगाम है, क्योंकि इस महीने इल्तिजा करने, आसानियां तलब करने, अपने आमाल पर गौर व फिक्र करने, अपने नफ्स को काबू कर दीन पर अमल करने की घड़ी आन पहुंची है। और ये तमाम मौाक़े इस माह मुबारक में रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदी को देता है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा हो। क्योंकि रोज़ा एक ऐसी रियाजत का नाम है जो इंसान की ख्वाहिशात और दीगर तकाज़ों को दबाने की आदत डालता है। पहली उम्मतों को भी रोज़ों का हुक्म दिया गया था। नाज़रीन, रमज़ान के महीने में इस कदर फ़ज़ाइल हैं, इस कदर रब्बुल आलमीन की बरकतें और रहमतें हैं कि इसके इस्तकबाल के लिए कोई भी जुमले बोले जाएं वो बहुत कम है, कहीं ना कहीं कोई कसर रह जाती है। और फिर सही तरबियत और सही निशानदेही और सही रास्ते के लिए हमें फिर अपने उन उलमाए दीन से राब्ता करना पड़ता है कि जिनकी तरबियत और जिनकी मौजूदगी की वजह से हम दीन की अहमियत और उसकी रोशनी को समझ सकते हैं और अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस्तकबाल रमज़ान के इस पहले प्रोग्राम में हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ग़ुलाम हुर शब्बीरी साहब मौजूद हैं, जो रमज़ान की आमद, उसके हवाले से इस्तकबाल के और इस महीने में रब्बुल आलमीन ने क्या क्या जो है वो इंसान के लिए रखा हुआ है उस पर रोशनी बिल्कुल डालेंगे। क़िबला, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व बरकातुहू। क़िबला, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने आपसे राबता किया और आपने जो है वो वक्त निकाला हिदायत टेलीविजन के नाज़रीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत शुक्रिया आपका जी। क़िबला, रमज़ान आपको भी मुबारक हो। चंद लम्हे रह गए हैं, मगरिब की अजान है, फिर चांद देखने दौड़े चले जाएंगे, सबके सब चांद देखेंगे और सनाए रब्बुल आलमीन शुरू हो जाएगी माह मुबारक के हवाले से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अगर आप इस पर रोशनी डालें कि इस्तकबाल रमज़ान में हम किस तरीके से रब्बुल आलमीन से ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। जज़ाकुम अल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु, फक़ालल्लाह फी किताबिह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। तमाम सामीन गिरामी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के वरूद से पहले और शाबान के इख्तिताम में, ये घड़ियाँ जो शाबान के साहात बाकी है, ये भी बायस बरकत है और वो महीना की जिसको खलाक कायनात ने जब इस महीने का तआरुफ करवाया तो इसको शहर कुरान कहा है। अल्लाह की ज़ात ने कुरान करीम में दो तरह से इस महीने का तआरुफ करवाया। एक अहले ईमान से मुखातिब होकर कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनो, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुम सियाम, आप पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जैसे इससे पहले गुज़श्ता उम्मतों पर रोजे को वाजिब करार दिया गया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मनाजिल तकवा को हासिल कर सको। दूसरा तआरुफ, जब अल्लाह कायनात ने कुरान करीम में एक वो महीना जिसका तस्करा फरमाया है
वो माह मुबारक रमजान है। फरमाया शहर रमजान लदी उन्ज़िल फीहिल कुरान, माह मुबारक रमजान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया है। बस इस एतबार से इस महीने के दो उनवान हैं, एक ये महीना माह सियाम है, दूसरा ये महीना माह कुरान है, नुज़ूल कुरान का महीना है। इस माह के वरूद से पहले खत्मी मरसद मरतबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इस्तकबाल करते हैं और तारीख मिलता है कि हजरत ने वो अजीम खुतबा शाबानिया माह मुबारक रमजान से पहले शाबान के आखिरी दिनों में तिलावत फरमाया। ये जो जुमा माह शाबान के आखिरी अय्याम में था, इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद मुसलमानों से खिताब करके एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया है, जिसमें इस्तकबाल की हकीकत रोशन होती है कि माह का इस्तकबाल किस तरह किया जाए। हजरत ने उस जमाने के मुसलमानों से मुखातब होकर और रहती दुनिया से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास कद अकबरा इलैकुम शहरुन बिल बरकते वर रहमते वल मगफिरा, लोगों आपकी तरफ एक महीना भर रहा है कि जो महीना कुछ इन खसूसियात का हामिल है कि जो बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, मगफिरत का महीना है। फरमाया दुई तुम फीहा इला वियाफतिल्ला, ये वो महीना है कि जिसमें आपको अल्लाह ने मेहमानी के लिए पुकारा है, यानी ये जो चंद साआत बाकी है उसके बाद ये चांद रात से जिस रात का आगाज होगा इसमें अल्लाह की तरफ से वो निदा अहले ईमान को आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये खिताब जब भी अहले बैत अतहार को मुतवज्जे हुआ, बिलखुसूस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुतालिक रिवायत मिलता है कि जब भी हजरत इस जवाब में हजरत इरशाद फरमाते जनाब कुछ जी क़िबला आप इरशाद फरमा रहे थे बयान में टेलीफोन ने रबते को मुनक़िज़ कर दिया। तो ये अर्ज कर रहा था कि जब कभी खल्लाक़ कायनात की तरफ से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कलिमा और खिताब आया तो हजरत उसके जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे, और अहले ईमान को भी जब आज ये खिताब आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये निदा है परवरदिगार की, और इस निदा में अल्लाह की ज़ात अहले ईमान से मुखातिब होकर कह रही है, अहले ईमान आप पर रोज़ा फ़र्ज करार दे दिया गया है। रोज़े की कई हैसियतें हो सकती हैं, एक आम आदमी का रोज़ा है, एक किसी खास शख्सियत का खास रोज़ा है, और एक खास और खास रोज़ा है। हम जिस रोज़े की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो रोज़ा हकीकत में ऐसा रोज़ा होना चाहिए कि जो इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा असर रखे कि जिसकी वजह से इंसान का दिल बारगाह खुदा में तस्लीम हो जाए। जब अल्लाह ने हमें पुकारा है तो जब पैगंबर ये इरशाद फरमा रहे हैं ये महीना आपकी तरफ पड़ रहा है, एक महीना जब हमारी तरफ पड़ रहा है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए निकले। जुमला जो हजरत ने इरशाद फरमाया कद अक़बला इलैकुम, आपकी तरफ पड़ रहा है, तो जब महीना हमारी तरफ आ रहा है तो उसके इस्तकबाल आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह किया है। सहीफ़ा सज्जादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस महीने का इस्तकबाल इस तरह से करते हैं, अस्सलामु अलैका या शहरल्लाहिल अकबर, हमारे सलाम हो आप पे अल्लाह के अजीम महीने। फिर इरशाद फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहश शहर बिल बरकत वर रहमत वल मगफिरा, आप पर हमारे सलाम हो। इस महीने को सलाम कहने की जरूरत है, इसका इस्तकबाल है, इस पे खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। बस औकात हम अपनी इस्तिलाहात में मुतासिफाना ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं कि माह रमजान आ गया जैसे कोई खौफजदा शय आ गई है, दरअसल अल्लाह की तरफ से रहमत का नुजूल शुरू हो रहा है। ये वो घड़ियां आ रही हैं जिसके मुतालिक खत्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया साआतुहु अफदलुस साआत, इसकी घड़ियां बेहतरीन घड़ियां हैं।
अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन बेहतरीन दिन है। वलयालीहि अफ़ज़लुल लयाली, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं। बस ये ऐसे अजीम औकात जिनमें हम वारिद हो रहे हैं, जिनका दिन तमाम साल के दिनों से अफजल है, जिनकी रातें तमाम साल की रातों से अफजल है। और फिर हजरत ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया, अनफासुकुम फीहि तस्बीह, इसमें ये जो हम सांस लेते हैं, आम हालत में ये सांस लेना तस्बीह ही नहीं है, लेकिन माह मुबारक रमजान में जब इंसान ने, मोमिन ने अल्लाह पे ईमान कबूल कर लिया और हुक्म खुदा को तस्लीम कर लिया है, तो परवरदिगार ने इन सांसों को भी तस्बीह बना दिया है। और फिर फरमाया कि नौमुकुम फीहि इबादत, इस महीने में आपका सो जाना भी इबादत है, अगरचे ये महीना सोने का महीना नहीं है, बेदारी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें इंसान बेदार रहकर अपने परवरदिगार की रहमत और मगफिरत और बरकत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें यहाँ पे क़िबला, हमने अब तक जो गुफ्तगू की उसमें उन अमूर पर के जिसमें रब्बुल आलमीन रहमतों और बरकतों की तरफ इशारा करता है और पुकार पुकार के कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए मौजूद है, आइम्मा ताहिरीन ने भी यही तालीमात दी हैं, उस पर हमने गुफ्तगू की। ये बताइए कि अगर हम इस पर कुछ बात करें कि वो कौन से वजूहात हैं या वो कौन सा रास्ता है जो इस महीने रब्बुल आलमीन को सख्त नापसंद है, कि उनसे दानिस्तगी में या नादानी में या नादानिस्तगी में जो है लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो कौन सी ऐसी बातें जो सख्त नापसंद की जाती हैं, ताकि अगर कुछ सुनने वाले कहीं ना कहीं नादानी में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर वो रुक जाएँ और कोई रहनुमाई मिल पाए उनको। न देने का, यानी इलाही से इंसान को एक खास हज में वारिद होने का, यानी एक हरम है इस रोजे का, माह मुबारक रमजान का एक हरीम है, और जूं ही चांद नजर आता है तो हम एक हरीम में वारिद हो जाते हैं। और उस हरीम में वारिद होने के बाद इंसान को चाहिए कि कुछ चीजें जिनको हराम करार दे दिया गया है उनसे बचने की कोशिश करें, वो चीजें कि जो रोजे को बातिल कर देती हैं उनसे बचने की कोशिश करें। लेकिन कुछ मुब्तलात हैं जो फिकही मुब्तलात हैं, कुछ इस रोजे की फजीलत को बढ़ाने के लिए है, लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा सुमत फल यसुम समअक व बसरक व लिसानक, जब आप रोजा रखें तो सिर्फ आप ये पेट का रोजा ही रखें, बल्कि जब आप रोजा रखें तो आपकी आंखें भी रोजा रखें, आपकी समाअत भी रोजा रखें, आपकी जबान भी रोजा रखें। यानी इंसान को चाहिए कि उसका रोजा उसके दिल का रोजा हो, ये कल्बी रोजा है, ये खुदा की बारगाह में तस्लीम होने का रोजा है, यानी इंसान का दिल बारगाह खुदा में तस्लीम हो जाए, उन तमाम उमूर से परहेज करे, ये आम दिनों की तरह दिन नहीं गुजारे। इन दिनों में जब रहमत इलाही के दरवाजे खुले हैं, बेहिश्त के दरवाजे खुले हैं और परवरदिगार ने शैतान को जकड़ दिया है, तो इंसान को चाहिए कि इस महीने की बरकात को कुछ इस तरह से हासिल करने की कोशिश करे, मुहर्रमात से बचे, अपनी निगाह को हराम निगाह करने से बचे और ना महरम की तरफ निगाह करने से बचे, हर वो समात हर वो शय सुनने से परहेज करे कि जिसको अल्लाह ने नापसंद किया है, इसलिए कि ये महीना जिसमें अल्लाह की जात ने रहमतों के नुजूल की बारिश नाजिल करना शुरू की है और कुरान के नुजूल का महीना है, इस महीने में इंसान को इसकी हरीम का ख्याल रखना चाहिए, इसकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। अगर इसकी हुर्मत को
इंसान पामाल करे तो इमाम ने मासूम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इसमें बख्शिश इलाही को हासिल न कर सके दूसरे महीने में अल्लाह की बख्शिश शामिल हाल हो सके। तो जो मैं वो ये था कि कुछ वो मुहर्रमात है जिनको फिक्र ने हराम करार दिया है जिसकी वजह से रोजा रोजा बनता है। रोजा उसको कहते हैं कि इंसान मुबतलात से बच जाए, जितनी फिक्र में चीजें जिनकी वजह से रोजा बातिल हो जाता है उनसे परहेज करे, और कुछ चीजें हैं कि जो इंसान की मनाजिल को तकवा तक पहुंचाने के लिए और परहेजगारी के लिए जरूरी है ताकि वो मंजिल तकवा जिसको मकसूद रोजे का करार दिया गया है उनको हासिल किया जा सके। उनको हासिल करने के लिए अपनी समाअत का रोजा रखे, अपनी बसारत का रोजा रखे और अपनी जबान का रोजा रखे, और बसा औकात सायमीन का रोजा, उन लोगों का रोजा की जो रोजे की हकीकत और मंजिलत को समझते हैं वो अपने दिल का रोजा रखते हैं और उनके दिल में सिर्फ खुदा बसता है और अपने परवरदिगार से लौ लगा कर इस महीने को गुजारते हैं। ये ईद औलिया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब सहीफ़ा सज्जादिया में इस महीने की खुसूसियत को बयान की तो फरमाया अस्सलामु अलैका या ईद औलियाही। दो लोगों की ईद है, कुछ लोगों की ईद माह मुबारक रमजान का इख्तिताम है, कुछ लोगों की ईद माह मुबारक रमजान का आगाज है। औलिया की ईद माह मुबारक रमजान का आगाज है, आम लोगों की ईद माह मुबारक रमजान का इख्तिताम है। अगरचे वो ईद फिर औलिया को भी फजीलत अदा करती है और वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह की जात अपने औलिया को जजा अदा करती है उस दिन का नाम भी ईद है। बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि वक्त बिल्कुल कलील है और अब सिर्फ चंद मिनट हैं आपके साथ, क्योंकि आपने एक और भी प्रोग्राम के सिलसिले में कमिटेड हैं, चंद दो मिनट तीन मिनट हैं मेरे पास। हमने आमद रमज़ान इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से उसकी नेमतों बरकतों फजीलतों के हवाले से बात की, हमने ये बात की कि जो लोग इस माह भी नहीं अगर किसी ऐसे अमल से बात बाज आते जो खुदा को नापसंद है, जबकि तौबा के दरवाज़े जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इंसान के लिए बेहतरीन मौके होते हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। एक आखिरी किबला ये कि जो लोग मजबूरन इस माह सयाम में इन बरकतों इन रहमतों इन नेमतों से मजबूरन बीमारी की हालत में या किसी ऐसी कैफियत में कि जिसमें वो इस माह सयाम के रोज़े न रख पाते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो खाने पीने से होता है या उसके अलावा, जो ये लोग न रख पाएँ उनके लिए क्या हिदायत है, वो इस माह की बरकतों नेमतों रहमतों से कैसे अपनी दामन को भर लें और किस तरीके से अपने चेहरे को अपनी रूह को इस माह की बरकतों से मुनव्वर कर पाएं? जी देखिए अजीज़ान ग्रामी, रोज़ा एक वक्त इंसान के खाने या ना खाने से उसका ताल्लुक हो तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि एक बीमार आदमी रोज़ा नहीं रख सकता है, उसके इफ्तार का दिन है उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए और हुक्म फिकी उसके लिए यह है कि वो रोज़ा नहीं रख रहा है। लेकिन जहाँ तक समाअत का रोज़ा है वो बीमार के लिए भी हो सकता है, उसकी बसारत का रोज़ा बीमार के लिए भी हो सकता है, उसकी ज़बान का रोज़ा बीमार के लिए मुमकिन है, दिल का रोज़ा बीमार के लिए मुमकिन है, और बीमार अपनी फिजिकल मुश्किल की वजह से जैसे आज कल ये कोरोना का माहौल है और इससे हम गुजर रहे हैं, एक परेशानी बहुत से मोमिनीन को लायक है। अगर कोई बीमारी में मुबतला है तो खल्लाक कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मरीज हो, अम्मा मन कान मरीज फ़इद्दतुन मिन अय्याम अखर, अगर कोई मरीज हो तो ये लुत्फ परवरदिगार है कि उसने कुछ और दिनों के मुतालिक कहा है उसमें रोजे रखे। लेकिन एक रोजे की हुरमत है, रोजे की हुरमत का ख्याल रखना बीमार के लिए भी जरूरी है। रोजा न रखना कहा गया कि वो बीमार की हालत में रोजा ना रखे, किसी दूसरे दिन रोजा रखे, लेकिन माह मुबारक रमजान फिर दोबारा आने वाला नहीं है, फिर दोबारा रोजा कजा हो सकता है लेकिन माह रमजान तो कजा नहीं हो सकता है। माह रमजान की हुरमत इस तरह है जैसे आप हरम इलाही में दाखिल हो जाए, माह रमजान वारद होने के बाद इंसान हरीम इलाही में दाखिल हो जाता है, परवरदिगार के उस महीने में दाखिल होता है जिसको उरफा बेहिश्त कहते हैं। ये महीना जब शुरू होता है तो इंसान बेहिश्त में वारद हो जाता है। रहबर मुअज्जम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि मोमिन जब माह मुबारक रमजान में दाखिल होता है तो कुछ इस तरह जैसे जन्नत में दाखिल हो, ये जन्नत नजीर महीना है,
ये महीना फिर वापस नहीं आने वाला। बिल्कुल शुभला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का, इस नशस्त का। मुझे यकीन है कि हिदायत टेलीविज़न के लाखों नाजरीन सामईन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, उन सब के जहन और रूह जो है वो आपकी गुफ्तगू से, आपकी रहबरी से जो है वो मुनव्वर हुई होगी और उन्हें एक रास्ता नज़र आया होगा कि अगर इस्तकबाल में कहीं कसर रह गई है तो फिर उसको कैसे और सेलिब्रेट करें, कहीं कोई नादानी होती है तो उससे कैसे बच जाएं, और अगर न रख पाएं तो फिर क्या करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला आपसे नाजिन आपकी मुलाकात मौलाना साहब से, हुजरत इस्लाम से, आज सुबह 2 से 3 बजे भी होगी। सहरी के लेक्चर्स जो हैं वो क़िबला आज और यानी कि हफ्ते की सहरी और इतवार की सहरी जो है उसमें भी मौजूद होंगे, और क़िबला हुजरतुल इस्लाम मौलाना गुलाम हुर शब्बीरी साहब जो है वो लेक्चर्स देंगे आपको। और जहाँ तक मेरे जहन में है कि तफहीम में एक इन्होंने मुझे टॉपिक बताया था कि वो जहन में था मेरे भी, उस पर किस शहर को बयान करूंगा। अच्छा जी क़िबला, एक बार फिर फरमाएंगे जी। तफहीम दुआए अबू हमजा सुमाली पर आपको एक मुफस्सल अगर गुफ्तगू कुछ क़िबला से, मैंने कहा था तफसीर बताएंगे, क्योंकि तफसीर बहुत गहरी हो जाएगी, हम तफहीम पे बात करेंगे इसकी, तो अगर मिस ना कीजिएगा। सुबह 2 बजे से लेके 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, आपके लिए बेतहाशा ज़रूरी होगा, उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा और क़िबला के साथ रहिएगा। क़िबला वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, इल्तमास दुआ, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब नज़ीर, प्रोग्राम के सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है, यह सिलसिला हमने आगे भी बढ़ाना है। क़िबला के पास वक्त होता है तो हम यकीनी तौर के ऊपर बिल्कुल पूरा ये अज़ान मगरिब तक का सिलसिला है, और क़िबला की खिदमत में हम ये पूरा का पूरा आपके क़िबला के साथ आपकी खिदमत में पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम पेश कर रहे होते, ताकि आपके लिए और मज़ीद रास्ते राहें जो हैं वो हो जाती। एक क्योंकि उन्हें कमिटमेंट था, और फिर ठीक है हिदायत टेलीविज़न, आपको पता है कि हमारा सिलसिला जो है वो जुड़ा हुआ है उल्मा से, उल्मा का एक गुलदस्ता है जो हिदायत टेलीविज़न को सजाता है, और फिर हम उनके नाम सबके अगर फर्दन फर्दन लेना शुरू हो जाएं, बल्कि आप देखते रहते हैं, और क्योंकि उनसे हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और हम बार बार मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में हमने रब्ता किया हुआ है। हमारे साथ अब से कुछ देर में मौलाना रज़ी अब्बास साहब होंगे, आप इनसे बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं, हर हफ्ते आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं इस्तखारा और वज़ाइफ़ का। आज हम इनसे सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे कि रमज़ान में इस्तकबाल रमज़ान और रमज़ान में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपनी कोताही में कहीं ना कहीं लट कर जाते हैं, और क्या क्या काम हम ऐसे करें जिससे हमारा सवाब जो है वो दुगना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए, और उसके लिए रब्बुल आलमीन माहे सयाम के हवाले से क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं। क्या हमारे साथ हैं मौलाना रज़ी? ठीक है नाज़िम, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी मुलाकात बराह रास्त उनसे कराएंगे, चंद लम्हे फिर वापस होते हैं। की पहचान है शेरों के रमजान।